आज हम बनाने वाले हैं कलर्ड पेंसिल ड्राइंग रियलिस्टिक एप्पल का। तो सबसे पहले हमने एक ओरिजिनल एप्पल का फोटोज लिया और उसी को हम ड्रॉ करने वाले। तो सबसे पहले हमने उसको देख के अच्छे से ड्रॉ करते हैं, जो स्टैम्प है उसको भी कर्व होते हुए, और जो लीफ बनी है, जो पत्ती बनी है, उसका फोल्ड किस टाइप से है वो हम सेम एज इट इज ड्रॉ करने की कोशिश करते, थोड़ा बहुत चेंजेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक उसकी लीफ ड्रॉ कर लेते हैं, लाइट लाइट ड्रॉ करना है। ड्रॉ हो जाने के बाद हम इसके अंदर स्पेयर का शेडिंग और ग्रे स्केल जो होती है उसको यूज़ करके बनाने वाले। तो ये सारे कलर्स थे हमारे पास। कलर जो है वो प्रिज्मा कलर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्लेंडर वाली शेडिंग करते हैं। तो येलो ऑकर, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन के शेड से हम जो स्टेम बना है एप्पल का वो ड्रॉ कर लेते हैं। पेंसिल शेडिंग हमेशा लाइट टू डार्क शेड करते हैं। पहले लाइट, फिर मिडल, फिर डार्क, फिर डार्क, ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं। तो लीफ के अंदर हमने सबसे पहले लाइट ग्रीन शेड फिल कर दिया छोटे पार्ट ध्यान से देख के, फिर ऑलिव ग्रीन शेड लिया, ऑलिव ग्रीन को भी अच्छे से मिक्स करते हैं। जो ओरिजिनल फोटो है उसको देखना है और थोड़ा सा मन से भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे रियलिस्टिक बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे हम ग्रीन के बहुत सारे शेड यूज़ करने वाले हैं, जैसे लाइट ग्रीन, मिडल ग्रीन, डार्क ग्रीन, ऑलिव ग्रीन, येलो शेड। तो इस टाइप से हम सारे शेड अच्छे से मिक्स होना चाहिए। छोटे छोटे पॉइंट में काम करना है, छोटा 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 राउंड राउंड कलरिंग करना है, और इस टाइप से हम पूरा का पूरा लीफ को अच्छे से कलरिंग और शेडिंग करते चलते। तो एक दूसरे में कलर अच्छे से मिक्स होना चाहिए, मर्ज होना चाहिए। प्रिज्मा के कलर होते बहुत सुंदर कलर है और ऑयल बेस्ड होते हैं, तो उस हिसाब से हम उसके अंदर आसानी से कलर मिक्स कर सकते। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लाइट शेड किया, फिर मिडल, फिर डार्क, ऐसे स्टेप बाय स्टेप से हम कलरिंग कर सकते। तो यहाँ पर हम ग्रे स्केल का यूज़ कर रहे हैं कलर शेडिंग के लिए। ग्रे स्केल के हिसाब से सारे टोन्स इसमें आना चाहिए। हम अच्छे से कलरिंग कर लेते हैं। जो लीफ है ओरिजिनल उसको देख के छोटे छोटे पॉइंट कर्व करते चलते, यहाँ से भी, नीचे के साइड से भी, और इसके अंदर और भी थोड़े से शेडिंग अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कितना लाइट है, कितना डार्क है, ये सारी चीज़ें अच्छे से देख लेते। अब ये हो जाने के बाद इसके अंदर जो डिटेलिंग रहेगा थोड़ा थोड़ा सा डिटेल भी कर लेते हैं। ये सब लीफ का डिटेल हो गया। उसके बाद एप्पल के कलर्स करने वाले। तो एप्पल में हम लाइट सोर्स, हाईलाइट, मिडल टोन्स, रिफ्लेक्शन, कास्ट शेडो, शेडो, ये सारी चीज़ें हम दिखाने वाले, जैसा कि हमने एक इमेज इसके अंदर ऐड करके रखा है, तो उसी को ध्यान में रख के सारा करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लाइट शेड फिल कर लेते हैं। तो एप्पल में बहुत सारे शेड होते हैं, एक ही रेड शेड नहीं होता, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा येलो, ऑरेंज, रेड, क्रिमजन, ऐसे शेड यूज़ करके एप्पल का शेडिंग करने वाले हैं। तो कलरिंग करते समय राउंड राउंड करना है, मिक्स करना है अच्छे से एक दूसरे में। सबसे पहले लाइट शेड करना है, फिर मिडल शेड करना है, फिर डार्क शेड करना है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम कलरिंग करते चलते हैं। और पेपर का कहीं पे वाइट भी नहीं छूटना चाहिए। तो यहाँ पर अभी हम ये जो शेडो वाला पार्ट होता है वो डार्क कर लेते हैं, और यहाँ से भी जो मिड टोन्स होता है उसको भी फिल कर लेते हैं, और हाईलाइट के लिए हमने जगह छोड़ दिया है। और यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा डार्क शेड करते चलते, एक दूसरे में कलर अच्छे से मिक्स होना चाहिए, ये भी चीज़ हमेशा ध्यान देना है। बहुत दबा दबा के नहीं करना है, हल्के हाथ से कलरिंग करना है। लाइट, मिडल, डार्क शेड स्टेप बाय स्टेप यूज़ करते चलना है। तो यहाँ पे हमने शेडो भी बना दिया है, उसके ऊपर डार्क करते हैं, मिक्स करते हैं अच्छे से, पूरा का पूरा कलरिंग अच्छे से मिक्स होना चाहिए। बहुत फास्ट भी नहीं और बहुत स्लो भी नहीं कलरिंग करना है। तो इस टाइप से पूरा राउंड राउंड छोटे छोटे स्ट्रोक में काम करना है, और बहुत सारे शेड यूज़ करना है, एक ही कलर नहीं यूज़ करना है। जैसे एप्पल है तो एप्पल में बहुत सारे शेड होते हैं, तो वही चीज़ हमारे
ऑब्जर्वेशन से आएगा। तो हमें अच्छे से ध्यान से देखना है कहाँ पे डार्क दिख रहा है, कहाँ पे लाइट दिख रहा है, कहाँ पे मिड टोन दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखकर हम स्टेप बाय स्टेप कलरिंग करते चलते हैं। एक ही बार में डार्क नहीं करना है, ये भी चीज़ें ध्यान देना है, मिक्स होना चाहिए, ऐसा हम कलर मर्ज करते चलते। तो यहाँ पर हम ऑरेंज, उसके बाद रेड, ऐसे अलग 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 शेड से एप्पल का पूरा शेडिंग कर लेते हैं। ध्यान से कलरिंग करना है, सारे कलर एक दूसरे में मिक्स होना चाहिए। और यहाँ पे जो हाईलाइट वाला पार्ट छोड़ा है वहाँ पे हम बाद में थोड़ा सा लेमन येलो का शेडिंग करने वाले हैं उसके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें ध्यान देना है। यहाँ पे लाइट सोर्स है तो यहाँ पे हाईलाइट के ऊपर भी हम थोड़ा सा येलो शेड कर देते हैं और उसके आजू बाजू में मर्ज कर लेते हैं। और ये जो है शेडो वाला पार्ट उसको भी ध्यान से थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, मर्ज भी होना चाहिए। एप्पल के अंदर कहाँ कहाँ लाइंस दिख रही वो छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देना है और कलरिंग करना है। एक दूसरे में कलर मिक्स होना चाहिए, ये चीज़ें ध्यान देना है। तो पूरा इस टाइप से हम एप्पल का शेडिंग करते हैं कलर पेंसिल से। तो हमारे पास जो कलर पेंसिल है उसका हम यूज़ कर सकते हैं और छोटे छोटे पार्ट में डिटेलिंग करते चलना है। सारी चीज़ें ध्यान से कलरिंग करना है, आउटलाइन के बाहर भी कलर नहीं जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो ये हो जाने के बाद यहाँ पर हम कास्ट शेडो बनाते हैं और उसका थोड़ा सा रिफ्लेक्शन भी दिखाते। तो इस टाइप से डार्क करते करते लाइट हम अच्छे से नीचे में शेडो बना लेते हैं। यहाँ पर हम शेडो भी कर लेते हैं और बीच बीच में वाइट पेंसिल से डॉट बना लेते हैं। तो इस टाइप से हम एक सुंदर सा एप्पल का ड्राइंग बना सकते हैं। आपको ड्राइंग कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।